सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, हेलो, कैसे हो मेरे लवली फ्रेंड्स। मेरी इंतज़ार कर रहे थे और मैं आपसे मिलने के लिए बहुत बेताब था, तो लेके आ गया हूँ आपके लिए और वीडियो। ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है क्योंकि मेरे पीछे आप देख रहे हो मैं खड़ा हूँ उस वक्त सेक्टर 65 गोल्फ एस्टेट के सामने। यहाँ से मैंने ट्रम्प टावर का एक वीडियो बनाया था जब मैंने आपको लोकेशन स्पॉट करी थी कि यहाँ ट्रम्प टावर्स आने वाले हैं। ये मेरे पीछे है लैटिट्यूड, वो है गोल्फ एस्टेट और यहीं पे पीछे आने वाले हैं ट्रम्प टावर्स। आज का वीडियो मैं आपको लेके जाने वाला हूँ इसके अंदर और मैं आपको दिखाऊंगा जाके गोल्फ एस्टेट। हवा बहुत तेज़ चल रही है, हो सकता है कि थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हो जाए वॉइस में, तो कोशिश करते हैं कि गाड़ी में चल के बात करते हैं। चल रहे हैं हम गोल्फ एस्टेट में, बहुत तेज़ हवा है, मौसम थोड़ा सा बेटर हुआ है कल से, अब बेटर है, तो आपको लेके चलता हूँ। इस वीडियो पे बने रहिए, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगी। और बने रहिए इस वीडियो पे, लाइक कर दीजिएगा अभी से ही क्योंकि ये वीडियो आपको पसंद आने वाला है डेफिनेटली। तो चलते हैं गोल्फ एस्टेट के अंदर, तो लेट्स मूव। तो ये मैं आ गया हूँ उसकी लिफ्ट लॉबी में, मैं इस वक्त हूँ 23rd फ्लोर पे और मैं आपको दिखाने के लिए लेके आया हूँ एक 3 BHK अपार्टमेंट गोल्फ एस्टेट में। ये लॉबी आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल लॉबी बनी हुई है और ये है इसका 3 BHK अपार्टमेंट जो एक सैंपल फ्लैट है। तो ये डोमेस्टिक हेल्प, बंक बेड लगा हुआ है और टॉयलेट। चलते हैं मेन घर के अंदर। स्वागत नहीं करोगे आप? तो आइए, स्वागत है आपका। कि जैसे हमने एंट्री करी तो सबसे पहले हमें जो दिखता है वो है इसका लिविंग रूम। इसमें जैसे एंट्री करी आपने, सामने इसका एक पार्टीशन है जो बहुत ब्यूटीफुली डिजाइंड है और ये एक आइडिया से एक दिया हुआ है और ये हमारे को मिल रही है सबसे पहले इसका लिविंग रूम। दिस इज लिविंग रूम एंड डाइनिंग एरिया। अभी मैं लेके चलूंगा आपको इसके एक बेडरूम के अंदर, उससे पहले एक चलते हैं जो इनका एक जो इसको स्टडी में कन्वर्ट किया हुआ है। ये इसके विंडोज़ हैं जहाँ से लाइट आपको मिलेगी। ये भी सैम्पल फ्लैट है इसलिए इन्होंने थोड़ा सा इसको ऐसे डेकोरेट किया हुआ है, बाकी इसके अंदर प्रॉपर लाइट मिलेगी। बाहर चलते हैं, अब आपको मैं दिखाता हूँ इसका एक बेडरूम। इसकी वार्डरोब्स, नेचुरल लाइट, अगेन नेचुरल लाइट। मेरे वीडियोस में आपको जो नेचुरल लाइट आती है फ्लैट्स में वो डेफिनेटली मिलेगी आपको। तो ये देखिए, अब हम इस वक्त 23rd फ्लोर पे खड़े हैं और अपने रूम से जो व्यू आपको दिख रहा है, चलते हैं इसके बाथरूम में। और नीचे देखिए इन्होंने फ्लोरिंग कितनी ब्यूटीफुल लगाई हुई है इसमें। कि हर बिल्डर का एक अपना स्टाइल होता है उस अपने सैंपल फ्लैट को सजाने का और आप लोगों को आइडियाज देने का, तो ऐसे ही M3M का एक आइडिया है, M3M गोल्फ एस्टेट का आपको आइडिया दिया हुआ है कि आप अपना घर कैसे सजा सकते हो। इसमें जो जो चीज़ें मिलेंगी वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ इसमें क्या क्या एज इट इज़ मिलने वाला है, और बाकी जो मूवेबल आइटम्स हैं वो सब वो नहीं मिलेंगी लेकिन वो सिर्फ एक आइडिया के लिए आपको दी गई है। यहाँ पे AC फिटेड मिलेंगे,
इस रूम में देख सकते हैं, जैसे वुडन फ्लोरिंग है, इसमें वुडन फ्लोरिंग है, बाहर आपका मार्बल है। अब चलते हैं दूसरे रूम के अंदर, इसमें वुडन फ्लोरिंग है, चलते हैं इसके अंदर। ये आप देख सकते हो कि इन्होंने कितना सिंपल सोबर एक आइडिया दिया है। हर रूम का एक डिफरेंट टेस्ट है, बहुत सिंपल सोबर एक लाइट ग्रे टोन दी हुई है, साथ में वुडन फ्लोरिंग है, बेड भी सेम उसी प्रॉपरली मर्ज होती है वॉल्स के साथ। एसी फिटेड है, ये इसकी वार्डरोब, स्पेशियस वार्डरोब। अब इसके बाथरूम में चलते हैं। ये बाथरूम से आपको ऐसे मिलने वाले क्यूबिकल्स लगे हुए और ये शार्प पैनल्स, जो बाथ फिटिंग्स हैं बिल्कुल एग्जैक्टली यही मिलेंगी। ये हम वापस आ गए इसके लिविंग रूम में, और इसका एक बेडरूम वहाँ पर है। जैसे हमने यहाँ से एंट्री करी, तो हम यहाँ पर आए, जो आपको दिखाया ये इसका लिविंग है, ये पाउडर रूम है इसका, गेस्ट टॉयलेट, और ये इसका एक गेस्ट रूम है जो 3+1 है। स्टडी बनाओ, गेस्ट रूम बनाओ, कुछ भी बना सकते हो। दो रूम हमने पीछे देख लिए, एक अभी हम बेडरूम वहाँ पर देखने जा रहे हैं। दिस इज मास्टर बेडरूम, बहुत सुंदर बना हुआ है। उससे पहले देखिए इसका बाथरूम, सुपर्ब। इसकी सारी रूम्स की स्पेसिफिकेशन आपको मिल जाएगी। वो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है जो आपको सामने दिखाई दे रही है, और ये नीचे इनका आ रहा है 65th Avenue, जो एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है वो बैक साइड पे आपको दिख रहा है, वो आ रहा है वहां पे। वॉक इन क्लोजेट है इसके अंदर, लेके चलता हूँ आपको मैं भी। इसके वॉक इन क्लोजेट में जाएंगे, वुडन फ्लोरिंग इसमें भी है, और ये हम आगे वॉक इन क्लोजेट में इसके। ये वापस इसकी लिविंग रूम में। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उसकी किचन। तो फ्लोरिंग आपने देख ली नीचे, ये भी हमने देखा लिविंग रूम, डाइनिंग, और अभी दिखाता हूँ आपको मैं इसकी किचन। चलिए जी किचन में एंटर करते हैं। वाह, सो स्पेशियस। बहुत अच्छी इसकी जो ऊपर की उसकी फिनिशिंग है, बहुत अल्टीमेट फिनिशिंग है इसकी। ब्लैक एंड क्रीम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है इसमें, साथ में कुछ पार्ट ग्लास के दिए हुए हैं,
हॉप चिमनी आपको एज इट इज़ मिलेगा, रेफ्रिजरेटर आपको एज इट इज़ मिलेगा, इसमें भी एक एसी है वो भी एज इट इज़ मिलेगा, और इसके साथ जो यूटिलिटी बालकनी है वो मेन बालकनी को वो कनेक्ट करती है। तो चलते हैं बाहर इसकी बालकनी देखने के लिए, बालकनी देख के आपको मज़ा आ जाएगा। है ना मजेदार चीज़, मज़ा आ रहा देख के। बालकनी आप देख सकते हो कितनी बड़ी बालकनी है इसकी, जो किचन ड्राइंग लाइन आपकी लिविंग रूम और आपके बेडरूम के साथ लगती हैं। ये वो वाली बालकनी देखिए आप कितनी बड़ी है बालकनी। ये हम किचन से आए थे, नज़ारा आप देख सकते हो कितना बढ़िया है, मज़ा आ जाएगा। मन कर रहा है फ्लैट लेने का, ब्यूटीफुल। नीचे मेरा नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट करो, साइट विजिट करो। फ्लैट खरीदना है, बुक करना है आपको, तो जल्दी से मुझे कॉल करो। नीचे मेरा नाम हरप्रीत है, मेरा नंबर नीचे स्क्रीन पे आ रहा है, जल्दी से कॉल करो इस फ्लैट की साइट विजिट के लिए। तो अभी आप देखो ये लिफ्ट लॉबी जैसे हम आए थे, तो ये फायर एग्जिट इनकी बनी हुई है। इन द केस ऑफ फायर यू कैन यूज दिस स्टेयरकेस। ये फ्लैट की एंट्री थी, अभी आप देखने वाले उसके साथ कुछ बेहतरीन से शॉट्स। इंजॉय कीजिए म्यूजिक के साथ। इसमें आपको एसी की सारी डक्टिंग करी हुई मिलेगी, वीआरवी इसमें फिटेड है, हर कमरे के अंदर एसी लगा हुआ है। मूवेबल आइटम्स इसमें नहीं है, किचन एंड जो वॉशरूम्स हैं वो इसके फुली लोडेड हैं, जैसे मैंने दिखाए हैं बिल्कुल वैसे ही मिलने वाले हैं। अब हम चलते हैं इसके 4 BHK की तरफ, और बने रही इस वीडियो पे। अगर ये पसंद आ गया आपको इतना सा भी, तो आप इसको लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। नीचे कमेंट में आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये अपार्टमेंट देखने में आपको कैसा लगा, और कोई आपकी क्वेरी है तो डेफिनेटली नीचे स्क्रीन पर जो मेरा नंबर आ रहा है उस पर आप कॉल कीजिए, मैं आपको साइट विजिट कराऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो पे, अभी देखने को और भी बहुत कुछ है। ये है इसकी लिफ्ट लॉबी जो मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। लिफ्ट लॉबी देखिए, आपको लगेगी जैसे 5-7 स्टार के हम किसी होटल में आ गए हैं, तो वहाँ की जो लिफ्ट लॉबी की फील है वो यहाँ की फील आपको दिखेगी पूरी।
क्लब है जो आप देख रहे हो, ये सारा क्लब है और ये इसका सेटिंग एरिया है। ये हम अभी, ये स्विमिंग पूल है। ये क्लब और इसका रेस्टोरेंट है जो आपको मैं दिखाने लाया हूँ। अभी दोपहर का टाइम है तो यहाँ पे ज़्यादा कोई है नहीं, पर इसका बाहर पैटियो है। ये इनका पर्सनल कैफ़े है, जो भी यहाँ के रेजिडेंट्स हैं वो इस कैफ़े को एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ पे अपना गुड टाइम स्पेंड कर सकते हैं और चाय की और कॉफ़ी की चुस्कियाँ ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। पूरा गोल्फ स्टेट को भी एंजॉय करेंगे, आपको मैं सारी गोल्फ स्टेट दिखाऊंगा। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो पे, वीडियो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। यह है पोलो स्वीट्स की लॉबी, जहाँ पे आप अपने गेस्ट को भी एंटरटेन कर सकते हैं, और यहाँ से उसकी एंट्री है इसके लिफ्ट लॉबी आगे से। तो चलते हैं इसको देखने के लिए, इसके पोलो स्वीट्स का 4 BHK। तो चलिए मेरे साथ आगे इसके लिफ्ट लॉबी में 4 BHK की पोलो स्वीट्स में। तो पोलो स्वीट्स के अंदर हम जा रहे हैं अभी 4 BHK देखने के लिए। तो ये रहा वो डोर जिसके अंदर अभी हम एंटर करेंगे, तो चलिए मेरे साथ। अरे वाह, ये हुई ना बात, क्या बात है, ब्यूटीफुल। जब देख के अंदर से बाहर निकला, वाह, दैट मींस कि वो वाह है ही है। अभी कैमरा पता नहीं क्या जस्टिफाई कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन आपको मैं सीरियसली बता दूं, बहुत अच्छा जो फील आ रही है आपको, पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं वो यहाँ से आ रही हैं। ये बहुत सुंदर बना हुआ है। लेकिन इधर जाने से पहले मैं आपको लेके चलूँगा इसका एक जो बेडरूम है रास्ते में, पहले वो खड़े हैं तो उनके पास हम पहले बेडरूम में चलते हैं। ये वुडन टाइल्स हैं, कॉफ़ी टेबल इन्होंने एक आइडिया दिया, आप लगा के कॉफ़ी आराम से इंजॉय कर सकते हैं। और ये है रूम, बहुत ही सुंदर, बहुत ही उम्दा, बहुत ही प्यारा सा बना हुआ एक रूम। चलते हैं इसके बाथरूम की तरफ। ऑसम, एज इट इज मिलने वाला बाथरूम, जो फिक्सचर एंड फिटिंग्स आपको दिख रही है वो एज इट इज मिलेगी। ये वुड की डोर की क्वालिटी आपको जो ऑसम मिल रही है, जो ही हमने अभी एंट्री पे देखा, ये एंट्रेंस पे जो डोर है थोड़ा ग्लॉसी फिनिश है, बहुत अच्छे हैंडल्स के साथ है, इसके साथ बहुत अच्छी लुक्स बनाई हुई है इसकी, बहुत अच्छी फिनिश के साथ है। और ये भी हमने देखा इसका एक बेडरूम, ये पाउडर रूम है जैसे कि गेस्ट टॉयलेट। और ये है आगे भी आपके सामने सारा अपार्टमेंट। अब आप देखिए इसका जो ब्यूटीफुल, इसकी जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो है इसका जो आपको लिविंग रूम में जो चाहिए बेसिकली, वो है साथ में उसका डाइनिंग, ये बार एरिया।
बहुत बड़ी सी विंडो है इसकी, बालकनी का एरिया है, बहुत बड़ी विंडो है और जिससे आप डोर से आप बाहर जा सकते हो, इंजॉय कर सकते हो बालकनी को। वहाँ से हमने एंट्री की थी बाहर, वो पहला बेडरूम उधर देख लिया हमने, ये इसका लिविंग है, ये डाइनिंग एरिया। अब चलते हैं इसकी किचन में। जैसे कि मैंने पहले भी दिखाया, इनका ब्लैक एंड ऑफ वाइट का कॉम्बिनेशन है, जो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ये मस्ट भी इनका जो यूटिलिटी बालकनी की तरफ जाएगा डेफिनेटली वही है। बाहर इनका वीआरवी लगा हुआ है, इसका वीआरवी सारा यूनिट है, जो सारी ये सर्वेंट रूम है इसका, जो कि आपका बहुत अच्छा बनाया हुआ है, स्पेशियस। ये उसका टॉयलेट है, ये बाहर यूटिलिटी बालकनी है यूटिलिटी, और ये इसका तोशिबा का दे रहे हैं वीआरवी सिस्टम। पूरे घर को एयर कंडीशनिंग देता है बाहर, जो तोशिबा का वीआरवी लगा फिटेड है वो आप देखोगे, सारे जो घर को एयर कंडीशनिंग देता है इस डक्टिंग के थ्रू, सारी डक्टिंग है इसमें। किचन को बहुत अच्छा बाहर से रोशनी, व्यू, वेंटिलेशन, एग्जॉस्ट इसका, फ्रिज इसके साथ लगा हुआ है। हॉब चिमनी आपको मिल रही है, मिली ब्रांड है मिली, इसी का नीचे ओटीजीएंड और सब ये सब कुछ लगा हुआ मिल रहा है। फ्रिज है सीमेंस ब्रांडेड, सब कुछ बहुत अच्छा ब्रांडेड आपको दे रहे हैं। अब ये हम आगे इसकी डाइनिंग एरिया में, डाइनिंग कम इसका लिविंग रूम। इसके बढ़िया बढ़िया शॉट्स आपको भी देखने को मिलेंगे, पहले हम पूरा फ्लैट देख लेते हैं। ये चलते हैं इसकी फैमिली लाउंज की तरफ, बहुत बढ़िया से एक इन्होंने फैमिली लाउंज भी इधर एक आपको मिलती है। अब अगर इस फ्लैट को आप ओन करते हो, वो आपके एक लिविंग एरिया है, जो आपका एक जो गेस्ट आते हैं या आप खुद भी इंजॉय करते हो, ये एक थोड़ा पर्सनलाइज थोड़ा कर दिया है इसको। आपकी फैमिली लाउंज है जहाँ पे आप बैठ के अपना फैमिली इंजॉय करते हैं, इंजॉय तो ऐसे पूरा फ्लैट ही इंजॉय करने वाला है कि इसमें मज़ा आ जाएगा रहने का, ज़िंदगी जीने का एक अलग ही एक्सपीरियंस है अब जो आपको M3M दे रहा है। बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस, जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है, सो ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है उन्होंने आसपास, और ट्रम्प टावर्स आ रहे हैं साथ में, कमर्शियल्स हैं इसके, और ग्रीनरी जो मेंटेन्ड, और जो इनकी लोकेशन है, इसकी लोकेशन बहुत ही अच्छी लोकेशन है और बहुत बड़ी टाउनशिप है इनकी। ये देखते हैं इसका, ये पूजा रूम आ गया, ये ऐसी एक स्थान होता है, ऐसी जगह होती है जहाँ से आपके घर को एक पॉजिटिव बहुत अच्छी वाइब्स मिलती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे घर का। क्या आप इस मेरी बात से सहमत हैं तो आप डेफिनेटली नीचे कमेंट करके मुझे बताइए, क्या आप सहमत हैं कि हमारे घर में ईश्वर का, प्रभु का निवास होना ज़रूरी है इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से, जो हमारा कल्चर है उसके हिसाब से, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। चलते हैं इसके एक बेडरूम की तरफ, अगेन वुडन टाइल्स, आपका कॉफी टेबल, इसमें ऊपर आपको जो दिख रही है सारी डक्टिंग हुई हुई है एसी की, इसका आपको कंट्रोल दिया गया यहाँ से। चलते हैं बाहर इसके बालकनी में, वाव, सुपर सुपर। ये नीचे आप देख सकते हो उसकी 9 होल गोल्फ है, गोल्फ व्यू है सारा, और वो ट्रम्प टावर्स लिखा हुआ आपको दिख रहा है, ट्रम्प टावर्स, और ये इसकी एंटायर बालकनी, मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट, ये इसकी एंटायर बड़ी सी ह्यूज बालकनी, क्या बढ़िया सी चीज़ है, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया देख के। व्यू आप देखिए, बहुत ही सुंदर व्यू, ब्यूटीफुल, किसका मन नहीं करेगा यहाँ पे रहने का। और लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी किस्मत से आती हैं हाथ में, और लेना चाह रहे हो इस फ्लैट को, स्क्रीन पे मेरा नंबर है, उसको आप
नोट कर लीजिए, उस पर कॉल कीजिए, मैं आपको साइट विजिट कराऊंगा। आपका फ्लैट अगर आप बुक करना चाहते हो, आपको फ्लैट बुक कराऊंगा। मैं हूँ हरप्रीत सिंह और आपको दिखा रहा हूँ उस वक्त M3M गोल्फ एस्टेट। अंदर बाहर भी हवा अच्छी है और अंदर भी फुली एयर कंडीशन्ड है। डोर इज क्लोज्ड। पोलो स्वीट्स नाम हो और पोलो का उसको स्टैचू ना हो, ये हो ही नहीं सकता। तो देखिए पोलो का स्टैचू। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आपको पता क्या करना है, एक लाइक का बटन दबाना है, इसको शेयर करना है अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। हो सकता है कि कुछ लोग इस तरह की प्रॉपर्टीज ढूंढ रहे हो गुड़गांव के अंदर। मैंने आज आपको वीडियो दिखाया है M3M गोल्फ एस्टेट का, जहाँ पे आने वाले हैं ट्रम्प टॉवर्स, अंदर प्रेमिसेंस के अंदर बना हुआ है लैटिट्यूड, और ये हमने देखे पोलो स्वीट्स। 3BHK एंड 4BHK दोनों सैंपल फ्लैट्स मैंने आपको दिखाए हैं और इसका जो ब्यूटीफुल जो व्यू था वो भी मैंने आपको सारा दिखाया। हो सकता है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने बहुत शिद्दत से बनाया है तो आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसको फटाक से लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। फ़ोन नंबर मेरा नीचे आ रहा है स्क्रीन पर, और अगर आप ये फ्लैट बुक करना चाहते हो, ख़रीदना चाहते हो और इसकी साइट विज़िट करना चाहते हो, मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको इसकी साइट विज़िट कराऊंगा, आपको ये फ़्लैट लेके दूंगा। मैं इसी तरह के वीडियोस लेके आता रहता हूँ, होपफुली आपको ये वीडियोस अच्छे लगेंगे। मैं गुड़गांव की प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियोस लेके आता रहता हूँ आप सबके लिए। आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, बहुत सारा प्यार आपका, ढेर सारा मुझे व्हाट्सएप के थ्रू, फ़ोन कॉल्स के थ्रू मिलता है, और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। थैंक यू सो मच ना प्यार मुझे देने के लिए। मिलूँगा आपसे ऐसे एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए रब रखा।